Hello, assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm Faryal Khurram. If you're new here and you don't know me, I'm a makeup artist and this is the look which I have created today. This is the Arabic dramatic look, green with glitters. Hope so you will like it, and if you like it, do subscribe my channel. Thank you and let's get started. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my stand and go out of this world, and right on time. ये look create करने के लिए सबसे पहले मैंने tape लगा ली है. अभी मैं अरेबिक लुक करने लगी हूँ, तो इसके लिए मैं लूँगी ये कलर फ्यूजन की पैलेट. और कलर फ्यूजन की पैलेट से मैं ले रही हूँ ये लाइटेस्ट ग्रीन और ये थोड़ा डार्क ग्रीन. ये मैं जो है वो एज ट्रांजिशन शेड लूँगी. उसके बाद हम डार्क ग्रीन पे जाएंगे. ये लाइट ग्रीन जो है ये ट्रांजिशन शेड हम लोग बिल्कुल ऊपर लगाएंगे. हमने ह्यू क्रिएट करना होता है. इधर सर्कुलर मोशन एंड टू एंड फ्रो मोशन, सर्कुलर एंड टू एंड फ्रो मोशन पे हम लोग इसको ब्लेंड करते जाएंगे. ये बहुत ही फ्लफ़ी ब्रश से मैंने पिक किया है ताकि हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाए. As I already told you कि जो लाइटर शेड्स होते हैं वो हम लोग फ्लफ़ी ब्रश में और बड़े ब्रश में लेते हैं. Now I am taking dark green और वो मैं थोड़ा सा नीचे अपनी ट्रांजिशन शेड है उससे नीचे मैं अप्लाई करूँगी क्रीज लाइन पे. और ये फ्लैट शेडर ब्रश है जिससे मैंने पिक किया है और ये मैं अच्छे से इसको अप्लाई करके फिर मैं ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करूँगी. ये जो ब्लैक है ये मैंने मॉर्फी जेफरी स्टार पैलेट से लिया है. ये काफ़ी डीप ब्लैक है और इसको मैं सिर्फ कॉर्नर्स पे ऐसे अप्लाई करके मैं फिर ब्लेंड आउट करूँगी. अभी मैं जेफरी स्टार पैलेट से ही गोल्डन डल गोल्ड शिमर शेड जो है वो अप्लाई कर रही हूँ. ये बिल्कुल डल गोल्ड शिमर शेड है. इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी ग्लिटर्स और वो ग्लिटर भी इसी पैलेट के हैं. प्रेस्ड ग्लिटर्स लगाने के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लाइनर. लाइनर अप्लाई करने के लिए मैं बिल्कुल स्मॉल ब्रश पे लाइनर, जेल लाइनर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं ग्लिन का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ और ये मैं लाइनर अप्लाई करूँगी. मैं इनर कॉर्नर्स आज इतने ख़ास नहीं बनाऊँगी. अभी हमने अरेबिक इफ़ेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी और इससे सारे कलर्स को ब्लेंड आउट करूँगी. और ये अंडर आइज पे ब्लैक लाइनर अप्लाई कर दूँगी. अभी जो है मैं फ्लैट शेडर ब्रश पे ग्रीन लूँगी और जो मैंने ब्लैक लाइनर अप्लाई किया है उसको ग्रीन से स्मोक आउट करूँगी. ये ब्यूटी आइकॉन बाय MN की वाइट बेस है जो मैं वाटर लाइन पे और इनर कॉर्नर पे, वाटर लाइन पे और जो ये मैंने कॉर्नर्स बनाए हैं इस पे मैं अप्लाई करूँगी इसको शार्प करने के लिए. अभी मैं एक सिल्वर सा हाइलाइटर जो है वो ब्रोबोन पे अप्लाई कर रही हूँ एक छोटे से स्मजर से और इसको हल्का सा ब्लेंड आउट भी करूँगी ताकि वो एक बिल्कुल लाइन ना प्रोमिनेंट हो, लगे कि हमने हाइलाइटर ही अप्लाई किया है. अभी मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपने लैशेस पर. मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं लैशेस अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फाइनल लुक। ये आज की लुक है जो मैंने क्रिएट की है। ये है अरेबिक लुक, ग्रीन ड्रामेटिक लुक। होप सो आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू अपलोड करूं और आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू सो मच।